गाइस, मैं हूँ रागनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो है बाबा नानक की कहानी। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसके ऊपर रिएक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में कि हाँ क्या हुआ था हिस्ट्री में, उस टाइम पे कैसे लोग करते थे एंड पूरी स्टोरी क्या है इनकी। इतना ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था पहले। मुझे जी में बहुत चीज़ें समझ आई, मुझे पता चली रिएक्शन वीडियो के थ्रू। तो देखते हैं आज तो मुझे कुछ और चीज़ें जानने पड़े मिले, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छी चीज़ जो मुझे पता नहीं हो। एंड थैंक यू फॉर द लवली रिक्वेस्ट। एंड देखते हैं वीडियो में क्या है स्टार्ट रिएक्शन। हिंदुस्तान बीच पठान मुसलमाना ने अपना राज कायम कर लिया सी है। अते अरब ईरान वाले कई मुसलमान पीर फकीर इस्लाम का प्रचार करने वास्ते हिंदुस्तान बीच आ गए सन। हिंदुस्तान के वख वख शहरां विच इन्हां फकीरां ने अपने टिकाने बना ले सन। बहुत ही पहुंचा हुआ अति सिद्धियां सिद्धियां का मानक खैरात मंगन लई पहली बार उसने सियालकोट मंडी वाल पैर की थी। पर कोई कोई दिन फकीरां लई भी बड़ा भारी होता है। ले भाई मार के फाड़ मिर्ची। नादान शहर वासिया ने उसको मामूली पकी समझ लिया अति उसका मजाक बनाया। कंची अरे रे ओए ओए क्यों टिकता फिर रहा है ओए अजर वेग ओए तेरे को कोई ढंग से कपड़े नहीं है गे मेरे वहां हमजा फौज अपने डेरे वाल चल पिया।
ਓਏ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ वीडियो तो अभी फिनिश हो गया है एंड इतना ही था वीडियो में। मे बी इसका सेकेंड पार्ट में देखना पड़ेगा फिर समझ आएगा पूरी स्टोरी क्या है, बिकॉज सेकेंड पार्ट के बिना मतलब इंटरेस्टिंग मोड पे खत्म हुआ कि हाँ उन्होंने कहा कि दो पुत्र होंगे बट एक तुम्हें देना होगा मुझे। सो इंटरेस्टिंग मोड पे वीडियो खत्म हुआ एंड काफ़ी मैं इंटरेस्टिंग देख रही थी, सो क्या होगा नेक्स्ट डे क्या होगा नेक्स्ट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफ़ी पसंद आया मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। एंड कितने सेल्फिश होते हैं इंसान से दिखाया गया इस वीडियो में कि पहले जब उन्होंने भिक्षा के लिए आए वहाँ पे उन्होंने तुमको लड्डू नहीं देते बनाए, फ्रूट नहीं देते बना उनको। एंड जब अपने काम की बारी आई कि नहीं आ रही तो सही में कुछ हमारा कुछ काम हो सकता है साथ में इनके, तो उनके पास जाके बहुत सारे उनको फल दे दिया कि नहीं आप अभी ये सारे फल खाओ बट हमारी जो विश है वो पूरी करो। सो सेल्फिश बट ये ट्रू भी होता है, इंसान बहुत सेल्फिश होता है बट यहाँ पे वैसे दिखाया गया है। पर स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा सेकेंड पार्ट देखना इसका। एंड मैं चाहूँगी आप लोग मुझे सेकेंड पार्ट रिक्वेस्ट करूँ ताकि मैं इसको जल्दी से चैट करूँ और मैं जानूँ पूरी स्टोरी क्या है इसकी। एंड अभी तक के लिए इतना ही, इसको एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अच्छे कमेंट्स करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।